हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, हो गया कुछ एक हफ्ता लास्ट वीडियो डाल के। तो आज मुझे एक छोटा सा वीडियो का टॉपिक मिला। मतलब ये मतलब 2 दिन में तो ये इवेंट ख़त्म हो जाएगा, पर मैंने सोचा आप सबको इसके बारे में बता दूं, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल होगा। क्योंकि आप देखोगे तो हम जब भी खेलते हैं तो हम कोई भी दो टाइप से खेल सकते हैं, या तो ट्रॉफी पुशिंग या किल लेने का। मतलब अगर हम दोनों खेलने जाएंगे, मतलब किल भी करें और हमारा ट्रॉफीज़ भी पुश हो जाए, ट्रॉफीज़ मतलब हमारा टीयर भी, पॉइंट्स भी प्लस हो जाए, तो बहुत टफ पड़ता है। क्योंकि हम पुश अगर किल के लिए पुश करते तो उस चक्कर में बहुत बार मर जाते हैं। तो लेकिन गाइज, अब भी एक नया जो इवेंट आया है टीयर प्रोटेक्शन, आप देख सकते हो स्टार्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है, मैं आज आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। पर उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बता दूँ, मैं ज़्यादा तो वीपीएन के ट्रिक्स मतलब मैं प्रीफर करता हूँ कि आप लोग को ना बताऊँ, क्योंकि उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है वीपीएन ढूंढने का, कोई अच्छा कोई फ्री वीपीएन, फिर उसमें वो सर्वर है या नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा वीपीएन पे वीडियोस नहीं डालता हूँ। पर आज मैं आपको एक बता देता हूँ, मतलब मैं करके नहीं बताऊँगा, मैं आपको सिर्फ बोल के बता देता हूँ क्या करना है आपको। तो गाइस, एक अभी वीपीएन का मतलब अगर आप देखोगे फ्लाई वीपीएन आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्लाई वीपीएन में क्या होता है, आप 15 डेज ट्रायल यूज़ कर सकते हो मेल डाल के। तो अगर आपको चाहिए तो फ्लाई वीपीएन डाउनलोड करो और उसमें 15 डेज का ट्रायल ले लो, तो आपको फ्री में चला पाओगे। तो उसमें आपको गाइस दो सर्वर पे कनेक्ट करना है, एक तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में आप जब कनेक्ट करोगे ना तो आपको ये इवेंट्स में है ना, एक यहाँ पे दिखेगा इवेंट आता है। मतलब अभी मैं मेरे इंडियन सर्वर पे हूँ इसलिए मेरे को नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे इवेंट में है ना आपको दिखेगा। उसमें आपको क्या करना है, आपको एक बार टॉप 2 में आना है और 2 बार टॉप 1 में आना है, ठीक है। ऐसा कुछ तो है, मतलब 2 बार टॉप 1 में तो आना ही, मतलब 2 बार गेम जीतना है, और एक और बार कुछ तो है वो मेरे को प्रॉपरली याद नहीं आ रहा है। तो अगर आप वो दोनों करते हो ना तो आपको फर्स्ट वाले में तो फ्रैगमेंट्स मिलेंगे सिल्वर वाले, लेकिन आप 2 बार टॉप बनाओगे ना, मतलब 2 बार जीतोगे ना, तो आपको मिलता है एक कूपन, मतलब पूरा सीधा बॉक्स क्रेट ही मिल जाएगा कूपन, जो आप शॉप में जाके ओपन कर सकते हो। तो गाइज वो आप कर सकते हो न्यूयॉर्क सर्वर पे। आप आर्केड में भी जीत सकते हो, इसलिए वो बहुत ही ईजी है, आप 15-20 मिनट्स में अगर 2 गेम जीत जाओ तो आपका हो जाएगा। तो गाइज ये जो मैंने बताया ये है टर्की सर्वर का, ठीक है। टर्की और आप रशिया में भी कोई सर्वर ले सकते हो, लेकिन आपको फ्लाई वीपीएन में रशिया फ्री में नहीं मिलता है, तो आप टर्की उसमें सिलेक्ट कर लेना और उसमें ये आप कर सकते हो, ठीक है, टॉप 2 वाला और टॉप 1 वाला। और एक और जो है वो है न्यूयॉर्क सर्वर, ठीक है। न्यूयॉर्क में आपको क्या करना है, आपको बस जाना है और लॉग इन करना है। आप जैसे ही लॉग इन करोगे ना तो आपको फर्स्ट डे पे कूपन मिलते हैं, फिर सेकंड डे पे कुछ नहीं मिलेगा, थर्ड डे पे वापस कूपन मिलेगी। तो आप ऐसे कूपन जमा करके ना आप क्रेट बना सकते हो। तो ये एक न्यूयॉर्क का ट्रिक है। और टर्की में एक और जो चीज़ है वो ये है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ये मेरा राइट में रॉयल पास क्या आ रहा है, 70% ऑफ, ये सब ऑफर जो आ रहे हैं ना वहाँ पे, टर्की में आपको ऑफर्स मिलते हैं, मतलब यूसी के लिए। अभी आप देखोगे तो हम नॉर्मली 80 का 60 यूसी मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, लेकिन उसमें ऑफर्स चालू है। तो आप 85 में 60 यूसी प्लस 2 क्रेट्स, पूरे 2 कूपन मिलेंगे आपको, और एक दो चीज़ें मिलती है आपको। मतलब 85 में आपको 3-4 चीज़ें मिल जाएगी, एक ये कार्ड होगा, बीपी कार्ड या ऐसा कुछ। तो अगर आपको चाहिए तो ये वीपीएन देख लो आप फ्लाई वीपीएन में ट्राई करके। तो अब आते हैं हम आज के वीडियो के टॉपिक पे। तो गाइस देखो, टीयर प्रोटेक्शन, बेसिकली टीयर प्रोटेक्शन पबजी में बहुत टाइम से है, लेकिन अब अगर आप लोग को पता ना हो तो मैं बताता हूँ। देखो, हम जैसे ही कोई भी मैच खेलते तो हमें थोड़ा मैच रेटिंग मिलता है। आप देख सकते हो मेरा जो अभी फर्स्ट मैच है उसमें +28 लिखा है डायमंड के वहाँ पे, तो वो जो +28 है वो है मेरा मैच रेटिंग, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो ये टीयर ओवरव्यू है ना, ये उसमें ऐसे प्लस होते जाते हैं। मतलब आप अभी मुझे और 13 पॉइंट्स मिलेंगे तो मैं डायमंड 2 पे आ जाऊंगा, तो वो रेटिंग से ही हमारा टीयर बढ़ता है। तो अभी जो ये इवेंट आया हुआ है ना, आप देखोगे ये जो स्टार्ट के ऊपर लिखा है टीयर प्रोटेक्शन, बेसिकली टीयर प्रोटेक्शन नॉर्मली क्या होता है, जब हम नॉर्मली पहले खेलते थे, अभी समझो आप कोई गेम खेल रहे हो और आप जल्दी मर गए, ठीक है, उसमें तो बहुत चांसेस होते हैं कि हमारा 30-40 माइनस हो जाए। तो अगर आप समझो कोई टीयर के एज पे हो, ठीक है, अभी समझो आप डायमंड, मैं किस पे हूँ मैं आपको बताता हूँ, मैं हूँ अभी डायमंड 3 पे, तो मेरा 87 पॉइंट्स है। लेकिन अगर मेरा डायमंड 3 पे समझो 5 पॉइंट होता और मैं जो नॉर्मल मैच खेल रहा हूँ उसमें मेरे चांसेस है 30-35 माइनस होने के, क्योंकि मैं जल्दी मरा। तो वो टीयर प्रोटेक्शन की वजह से क्या होता है, आपका जो 5 पॉइंट है ना एच पे उतना ही माइनस होता है, वो होता है टीयर प्रोटेक्शन नॉर्मली। लेकिन अभी ये जो टीयर प्रोटेक्शन आया ना इवेंट में, इससे आपको क्या होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ये इवेंट है टीयर ट्रिगर रेटिंग प्रोटेक्शन फॉर 5 मैचेस। तो ये कुछ 3 दिन से या 4 दिन से चल रहा है, तो आप हर दिन के ना 5 मैच खेल सकते हो। उसमें अगर आप मरोगे ना जल्दी, तो समझो अभी माइनस आप एच पे भी होंगे ना
5 पॉइंट एच पे और आपका समझो -30-40 होने वाला है जल्दी मरने की वजह से, तो आपका -5 तक नहीं होगा, आपका -5 भी नहीं होगा, आपका 0 होगा, मतलब ना प्लस होगा ना माइनस होगा। तो ये इस इवेंट का है जो टीयर प्रोटेक्शन है। तो अगर आपका माइनस होने वाला है और नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो ये 5 लिखा है ना 0 out of 5, उसमें से 1 out of 5 हो जाएगा। तो आपको डेली ऐसे 5 मैचेस मिल रहे हैं जिसमें अगर आपके माइनस होने के चांस है ना, तो आपके वो माइनस होंगे नहीं। अगर समझो आपने कुछ अच्छा खेल लिया, हम लोग टॉप 25 प्लेयर्स में आ गए और 4th-5th जोन तक आ गए ना, तो हमारा माइनस तो होता नहीं है, प्लस ही होता है। तो अगर आपका +1 या +2 भी होता रहेगा ना, तो ये काउंट नहीं होगा मैच में। तो इस चीज़ का एक एडवांटेज ये है कि आप अगर माइनस में जा रहे हो तो ये काउंट होता है, लेकिन अगर आपका थोड़ा भी एक भी प्लस हुआ ना, तो ये टीयर प्रोटेक्शन के इसमें काउंट नहीं होगा। तो आप आराम से रश भी खेल सकते हो और ट्रॉफी भी पुश कर सकते हो, क्योंकि इस इवेंट का मतलब यही मेन एम है, इनका एम है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गेम खिलवाने हैं। तो अगर आप प्लस अच्छा भी खेल रहे हो, किल भी कर रहे हो और सर्वाइव भी कर गए, तो आपका टीयर प्रोटेक्शन काउंट नहीं होगा। तो आपके ये 5 के 5 मैच मतलब पूरे पड़े रहेंगे, और दिन के तो आपके दिन के अगर 5 माइनस भी हो जाते हैं, मतलब हम इतना गंदा नहीं खेलते कि हमारे हर मैच में माइनस हो जाए, तो अगर 5 मैच माइनस हो रहे हैं तो वो भी काउंट नहीं हो गए इस टीयर प्रोटेक्शन के इवेंट की वजह से। तो बेसिकली आपको ये करना है, आपका आपको खेलना है अच्छे से, आप एकदम पुशिंग खेलो, मतलब ट्रॉफी टीयर पुशिंग खेलो, क्योंकि ये इवेंट आया है तो आपको मस्त चांस है, आप अच्छे से फटाफट पुश कर सकते हो। ऊपर से सैटरडे और संडे है, तो आप पुश कर करके अपना टीयर भी बढ़ा सकते हो, ऊपर से अपना केडी भी बढ़ा सकते हो, बड़े बड़े जगह पे उतर के फाइटिंग खेलो, क्योंकि माइनस का तो टेंशन है ही नहीं। अगर जल्दी मर गए तो भी माइनस तो होगा नहीं 5 गेम, तो ऐसे ही खेलो। तो गाइज यही टीयर प्रोटेक्शन का पूरा मेरे को आपको समझाना था, अगर आपको ना समझा हो तो पूरा अच्छे से सुनो, मैं एकदम जो भी बोल रहा हूँ वो अच्छे से समझो, आपको समझ जाएगा। तो ये जो इवेंट है ये बेसिकली आया है 2 दिन पहले आई गेस, और ये ख़त्म हो रहा है, आप देख सकते हो 1 day 14 hours में ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये कल ख़त्म हो जाएगा संडे को। तो आपके पास 2 दिन है ये टीयर पुशिंग करने को, ऊपर से आप केडी भी बढ़ा सकते हो अगर बड़े जगह पे उतरोगे तो। तो मुझे आपको बताना था क्योंकि ये बहुत ही एक हेल्पफुल इवेंट है, तो मैंने सोचा आपको बता दूं ताकि आपको पता चले कि इसका मेन मीनिंग है क्या और मेन एम क्या है। आपको मैचेस खिलवाने का ट्राई कर रहे हैं पबजी वाले, तो और ऊपर से आपका अगर जल्दी मरोगे तो आपको माइनस भी नहीं करवा रहे, तो ये बेस्ट चीज़ है, मतलब एकदम खुल के खेलो, जिधर उतरना है उधर उतरो, मारा मारी करो, और अपना अच्छा भी खेल गए, किल भी मिल गए, तो अच्छा सा पॉइंट्स भी प्लस हो जाएगा। तो गाइस बस यही था मेरा आज का वीडियो, मैं कल भी एक वीडियो लाने वाला हूँ। मेरे पास अभी आप देखोगे तो इन्वेंट्री में बहुत सारे ऐसे कूपन्स आ गए हैं, और एक दो आ जाएगी ये VPNs की वजह से। ये देखो यहाँ पे 3 है, फिर ये 9 कूपन्स पड़े हैं, तो मैं स्क्रैप है ये मैं कंबाइन करूँगा कल, तो ये भी हो जाएगा एक। फिर आप देखोगे नीचे ये 2 RP के पड़े, एक ये वाला पड़ा है। तो गाइस यही सब मैं पूरे कंबाइन करके एक वीडियो लाने वाला हूँ और क्रेट ओपनिंग करने वाला हूँ, तो कल मैं वो मोस्टली वो वीडियो ला दूंगा और आपको दिखा दूंगा, मतलब देखते कोई अच्छा लकी हो तो कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए, तो मैं कल वो वीडियो लाऊंगा और आपको ये पोस्ट भी कर दूंगा इधर। तो गाइस बस मुझे आपको टीयर प्रोटेक्शन के बारे में यही बताना था, तो यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको समझ गया होगा पूरा वीडियो टीयर प्रोटेक्शन का जो इवेंट है उस पर। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकॉन दबा देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।